पागल लगी है हैं? साथ में भी कर रही है। बैग वगैरह जो है ना अपने गाड़ी में रख लो, क्योंकि ना बीमार हो गई थी उस वक्त, तो कोई भी पेट्रोल पंप फांसी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में मजे से होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वो क्यों, वो तो व्लॉग देख कर ही पता चलेगा। तो व्लॉग कंटिन्यू देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और इधर ये रही भाई चेशू, हेलो। और इधर ये रही हुई शिल्पा, हेलो। अभी चेशू कुछ बोल रही थी, वो चेशू खुद ही बताएगी। क्या बोल रही थी? निप्पल ले आऊं। हाँ। किसके लिए? तेरे लिए? भाई के लिए। नहीं, तेरे लिए ले आते हैं। दूध पीना शुरू कर दे। दूध पीती नहीं है तू? ना, भाई पिएगा। हैं? भाई पिएगा। भाई पिएगा? कौन पिलाएगा? मैं। हैं? मैं। खुद रोटी तो खा ली अपने आप, देखो रोटी तो मम्मी खिला रहे हैं। हैं? रोटी खाना तो सीख जा पहले। अच्छा, खिला देगी भाई को? हाँ। खुद अपने आप रोटी खाती नहीं है, इसके लिए एक बंदा चाहिए और भाई को खिला देगी। तेरे को पता सबकी बड़ी दीदी है तू, और रोटी अपने आप खानी सीखी नहीं अभी तक तूने? हैं? क्यों सीख जाएगी? सीख जाएगी जब काका आ जाएगा तब सीख जाएगी। हाँ। पूरी प्लानिंग कर रखी है कि काका आएगा, भाई आएगा, बस भाई आएगा। हाँ। बहन आएगी? भाई। भाई? भाई। चलो गाइस, वो तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल चेशू को ट्यूशन छोड़ आते हैं, क्योंकि ना 9:30 बजे ट्यूशन जाना होता है और 10 बजे जा रही है। और होता पता क्या है, जब छुट्टी होती है ना तो हमारी नींद वैसे ही नहीं खुलती, पता नहीं बनी ही बात है। आज तो ज्यादा ही होगा, आज तो बिल्कुल ही नहीं खुली, नहीं तो उठे जाते हैं 8 बजे 7:30 बजे। आज तो उठे ही नहीं, मैं तो उठे मेरी तो नींद खुली ही नहीं आज, पता नहीं क्या था। छुट्टी वाले दिन तो हम उठ जाते हैं 7:30 बजे 8 बजे करीब, लेकिन आज तो भाई 9:15 हो गया, 9:15 बजे भी नहीं उठे थे, अभी उठे हैं। और शिल्पा ने फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया और चेशु मैंने तैयार कर दी और मम्मी ने रोटी खिला दी। चले अब हो गया? हाँ। या बचा दी? एक बाइट बचा दी। एक बाइट रह गई, वो तो बेटा रूल है बड़ा बड़ा। वो तो पूरी तो रोटी खानी नहीं है, वो तो इसकी आदत है। चले अब। चलो। तो गाइस, आज बाहर का मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। आज है 23 सितंबर, तो आज ना दिन और रात दोनों बराबर रहेंगे भी, और कल से क्या होगा कि दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगे, ये एक फैक्ट है। पता तेरे को? मेरे को पता, देख मैंने पढ़ा था। सही है, मैं एक बंदे को बताना चाहिए। चले भाई। चला। तो गाइस कोरियर ले लिया भाई, तो अभी देखते हैं अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी जाके क्या। तो गाइस अभी घर पहुंच गया हूं और चेशू को छोड़ा है ट्यूशन, और इधर कोरियर आ गया था, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या मंगवाया मैंने, दिखाता हूँ आपको क्या मंगवाया। और इधर ना बैठिए। अच्छा सही है, खोले। केले किसी का मंगवाया कुछ, खोली देखो ना। ले शो के डब्बे खोलेगा ना मेरे लिए? नहीं कदे नहीं गंदे भी तेरे वास्ते है। सही है। लैंप गाइस ये मंगवाया था मैंने, छोटा सा क्यूट सा स्टडी लैंप, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग मैं भी कर देता हूँ, तो दिखाते हैं आपको। रिव्यू तो बहुत बढ़िया था इसके, है कितना छोटा सा, क्या लाइटिंग होगी इसकी, होगी है लाइटिंग तो हो गया क्या काले से गोरा? हाँ मुँह चमक गया थोड़ा, चमक गया कि सही है ना? सही है। तो गाइस ये मंगवाया मैंने 270 का, तो अभी देखो कैसा लग रहा है। अभी मेरे को तो 100-100 लग रहा है, इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। ठीक है रोशनी ने, क्या बात है, मोड भी है गाइस। हाँ। यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, सही है। कुल मिला के 270 में कोई कमी नहीं। तो गाइस बाहर का मौसम देखो भाई क्या मस्त हो रखा है, ऐसा लग रहा है शाम हो गया है। और अभी सुबह के दिखाऊं मैं कितने बजे,
10:27 हुए हैं और लेकिन मौसम क्या बात है, बढ़िया रखा ना, मस्त एक नंबर आज रब मेहरबान है। दो चार दिन में तो ऐसे बुरा हाल होगा था बंदे का। तेरा तो हर वक्त होता है, गाइस वाकई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बस बरसात हो रहा है, मजा आ जाएगा, आनी चाहिए बरसात, बरसात ना फिर उमस हो जाती है ज्यादा। हाँ 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 क्या बात है, गर्मी में ठंडी का एहसास। मौसम सही है गाइस, अभी हो गया अभी लंच टाइम, तो इधर देखो भाई आज अभी आलू गोभी की सब्जी और इधर अभी छोले की सब्जी और टिफिन में रोटी। जेशु को छोड़ने आए थे ना पापा ट्यूशन से, रोटी भी देंगे साथ के साथ ही, तो इधर से खाना आया। हाँ भाई भूख लग गया फिर से। हाँ। है हाँ। कैसे लगी है बताइए, इतनी मिन्नत कर कर के कहती भूख ही नहीं है, पापा भी कह के कहते रोटी खा ले साथ के साथ, कहती ना भूख ही नहीं है, मैं नहीं खाती, अब बड़ी मुश्किल से लेके बैठी हूँ, भी खा इसको। तेरे को भूख क्यों नहीं लगती है मेरे को ये बताओ। लगती है, जान के नहीं खाती। इसको चाहिए मैगी। हाँ। चावल, चाउमीन। हाँ। बर्गर, ये सारी चीजें है ना। अब भी यही कह रही थी दादी ने चावल भेजे है, मैं कहा नहीं रोटी और सब्जी है। हाँ बेटा अपने आप रोटी खाना सीख, तू रोटी नहीं खाएगी तो बड़ी कैसे होगी, है भी बता दे। लल्ली है तू है ना? फिर रोटी खाना सीख बेटा, अपने आप रोटी खाते हैं, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाओ तू। तो भाई आएगा तो उसको आप खिलाओगे। हाँ बस अपने आप नहीं खाने, अपने खाना उसको भी यही सिखाएगी। पागल हो गई है, पागल हो गई है, हैं? साथ माँ में भी कर रही है। हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। की हो गया? देखी और मार्केट से चेशु को लेकर दे रहा हूँ एक मस्त सा सूट, क्योंकि कल मैरिज पे जाना है, तो मैंने कहा चल एक बढ़िया वाला सूट लेकर देते हैं, देखते हैं कि क्या लेते हैं, कुछ अलग सा लेंगे। ठीक है क्या लेगी वो तो दुकान पे जाने के बाद पता चलेगा। क्या लूं? ठीक है चले अब। चलो आपकी कोई फरमाइश है? ना मेरी कोई फरमाइश नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ अपने बैग है ना जो गाड़ी में रख लो तैयार करके। अच्छा क्यों, क्या पता है, इधर पेन है बड़ा हल्का हल्का, कुछ पता तो नहीं है, ये अभी अपनी तैयारी बड़ी होगी, बंदा उस टाइम उठ के चला तो जाएगा, रातों रात भगा लेंगे गाड़ी। और गाइस भाई अभी मम्मी का भी कॉल आया था कि बोल रहे थे कि बैग वगैरह जो है ना अपने गाड़ी में रख लो, क्योंकि ना मौके पर ना कुछ पता नहीं होता, अभी कुछ रह ना जाए, तो इसलिए बैग पहले से ही गाड़ी में रख दो, तो अभी बैग वगैरह में गाड़ी में रख लेता हूँ। मम्मी वही कह रहे थे कोई सामान फिर रह गया दिक्कत हो जाती है, और साथ में ये भी है कि गाड़ी की टंकी वगैरह सारा कुछ फुल करवा कर रखना पड़ेगा, रात को ना दिक्कत होती है, रात को मौके पर अब आधी रात को, पिछली बारी मेरे को याद है कि रात को लगभग 12:30 बजे हम गए थे, चेशु बीमार हो गई थी उस वक्त, तो कोई भी पेट्रोल पंप हांसी में नहीं खुला था, तो इसीलिए थोड़ा सा ये है कि भाई अपनी गाड़ी वगैरह सही तैयार करके रखूं और बैग वगैरह अंदर ही रख लूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। हाँ जी अब चले, चलो चलो कुछ हंसना है, थोड़ा बहुत और हंस लो।